दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। सभी भक्तजनों को, सभी हमारे दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जी आप सभी की मनोकामना जो पूरी करे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शाहतलाई मंदिर में, जहां पर जो वो श्रद्धालु, काफ़ी श्रद्धालु जो वो इस समय जो बाबा बालकनाथ जी के दर पर जो वो माथा टेकने के लिए यहां पर जो उपस्थित हुए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा जो वो काफ़ी यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो कायदे नियम यहां पर बनाए गए हैं, उन सब नियमों का जो यहां पर सही तरीके से जो पालन किया जा रहा है। यहां पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा, पुलिस द्वारा समय समय पर लोगों को कोविड के दौरान इस समय जो जागरूक किया जा रहा है। काफ़ी श्रद्धालुओं द्वारा जो है यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दरबार में, कीजिए बाबा जी के दर्शन। और काफ़ी यहां पर जो वो आज शाहतलाई में जो वो काफ़ी रौनकें जो वो इस समय जो आप देखने को जो मिल रही हैं। हमारे बीच में यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, चलिए हम उनसे आपकी बात करवाएंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ में। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस? प्रिंस सर? हाँ जी प्रिंस। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं लुधियाना से आया हूँ सर। सर काफी लंबे समय के बाद जो आज आप बाबा जी के दरबार में जो माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा जी का दरबार खुल गया है जी, और इतनी रौनक है जिसे देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ। कितनी देर से कोरोना के डर से हम घरों में बंद थे जी, अब खुल गया, आना जाना शुरू हो जाएगा, बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत खुशी वाली बात है। और नए साल की सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारकें हमारी तरफ से भी और बाबा जी की तरफ से भी जी। और बताइए। हैप्पी न्यू ईयर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा भी यही कहना है कि बाबा जी की कृपा सब भक्तों पे बनी रहे। नया साल जो 2021 आ रहा है, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सबके लिए सब सुखदायक आगे पॉजिटिवली हम 2021 की लाइफ को जिए और बाबा जी की कृपा सब पे बनी रहे। थैंक यू सर। मैम जैसे कि अभी बाहर से आप पंजाब से काफ़ी श्रद्धालु इस समय आ रहे हैं, तो आप उन श्रद्धालुओं को क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हैं? मैं उन श्रद्धालुओं को ये मैसेज दूंगी कि भगवान की उनके पे सब पे कृपा रहे और जो आने वाला नया साल है उनके जीवन में बाबा जी की कृपा बनी रहे। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जी मैं इदा कहना चाहूँगा, जिन्हें भी श्रद्धालु बाबा जी दे दरबार से आ रहे ने, नव वर्ष दिया सारे श्रद्धालुओं नू बहुत बहुत बधाइयां हो जी। जेड़ा एक कोरोना वायरस हैगा उते हुण थोड़ी सानू निजात भी मिली है, ते बाबा जी दा दरबार भी खुल्या है, ते बाबा जी दी भी रौनक लगिया ने। जे करा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी आपकी हर एक मनोकामना जो पूरी करें। जीवन उत्साह न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।